You are watching the Radh Smriti Show, and this is a special series on International Women's Day. Today, we have with us Professor Madhurima Pradhan, former HOD, Department of Psychology, Lucknow University, and Founder Director, Happy Thinking Laboratory. Welcome to the show, ma'am. Thank you. Namaskar. First what is Happy Thinking Laboratory? Like, psychology, to have you were. Know,

इनोवेटिव स्टेप है और ये फलीभूत तब हुआ जब करोना पीरियड था और इसके पीछे जो आइडिया था मेरी साइकोलॉजी की जो स्टडीज है काफ़ी साल मैंने पढ़ी साइकोलॉजी पैंतीस चालीस साल करीब लेकिन उस पढ़ाई के दौरान मुझे ये लगा कि जो भी मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं वो वेस्टर्न उसका इम्प्लांट है वो वैसे ही सारी चीज़ें आई हैं थेरेपीज या जो पैराडाइम्स हैं लेकिन जो हमारा एक हमारी इंडियन साइकोलॉजी है उसमें जो बातें कही गई हैं वो इस वेस्टर्न पैराडाइम में कहीं मिसिंग लगती है और कोरोना के समय पे हमें लगा कि जो मेंटल uh, हेल्थ है वो बहुत स्टेट पे हुई और हम सब देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी है उसमें हम सब एक वोका uh, वर्ड में रह रहे हैं मतलब एक ऐसा वर्ड जिसमें हर चीज बड़ी वॉलेटाइल है बहुत अनसर्टेन है बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है एम्बिग्यूटीज है और जो डेटा आता है मेंटल हेल्थ का वो ये कहता है कि आजकल मेंटल डिजीजेज या मेंटल हेल्थ इश्यूज की एज बहुत कम हो गई है और छोटे छोटे बच्चे एंगजाइटी डिप्रेशन इस तरह की चीजों हो गई सभी लोग हैं कोरोना में तो हमने देखा है कि शायद ही कोई होगा जो परेशान नहीं, नहीं हो, हर की अपनी अपनी परेशानी थी बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनकी एक परेशानी है खेलने नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं बर्थडे पार्टीज उनकी नहीं हो रही है तो हर तरह की परेशानियां हैं अब एड्रेस कौन कैसे करता है उस पर कोरोना पीरियड में ये देखा हम लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी ने दो सेल्स बनाए तो काउंसिलिंग एंड गाइडेंस सेल फॉर सिक्योरिंग द गुड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स और एक हमारा हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी दोनों का ही उद्देश्य ये था कि हम किस तरह से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का जो स्टूडेंट्स हैं क्योंकि एकदम कोरोना आ गया उस वजह से सब बिल्कुल, सब बहुत ही कुछ बदल गया एग्जाम्स उनके खत्म हो सब्जाम हाँ। एक साल दो साल इनफैक्ट जो नए बच्चे जिनका एडमिशन हुआ था उन्होंने दो दो साल तक कॉलेज की शक्ल नहीं देखी और सीधे फाइनल एग्जाम दिया और पास आउट हो गए वही दो वजह नहीं एक तो मेरा भारतीय मनोविज्ञान के प्रति रुझान और दूसरा करोना का आना तो उस समय फिर हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि एक हैप्पी थिंकिंग लैबोरेटरी बनाई जिसका कि उद्घाटन हमारी माननीय गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी ने ऑनलाइन मोड में किया क्योंकि उस समय कोरोना था और उसके बाद फिर हम लोगों ने जब ये खुल गई यूनिवर्सिटी तो हम लोग ऑफलाइन इसमें काम कर रहे हैं जो ये यूनिवर्सिटी में ये लैब बनी ना उसमें हमारे बी सर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा, है बिकॉज वेन यू ज्वाइन जब इन्होंने ज्वाइन किया उसके एक हफ्ते के अंदर इन्होंने शिवानी बहन का प्रोग्राम कराया okay. और मेरे को बोला कि आप कोऑर्डिनेट करिए तो मैं उनको लेके आई और मुझे आज भी याद है कि जब मैं उनके ऑफिस में उनको लेके गई तो वो आ, मतलब पैदल चल के उनको लेते हुए और वहाँ तक आगे आए और एक बात उन्होंने बहुत सुंदर कही कि इस यूनिवर्सिटी की जो सोल है बहुत पायस है तो मतलब आई वॉज वेरी मच इनकरेज उस समय मेरे मन में वो हैप्पी थिंकिंग लैब हैप्पी थिंकिंग लैब दो साल से चल रहा था तो मुझे लगा कि ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं इस लैब का उद्देश्य ये है कि हम अपने छात्र छात्राओं को एक जो आध्यात्मिकता है उससे जोड़ें क्योंकि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों जीवन में बहुत आवश्यक है कितना भी मनोविज्ञान या कोई भी विज्ञान अगर हम छात्रों को पढ़ाते हैं लेकिन उसके साथ अगर हम एक वो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं दे पाते तो बात बनती नहीं है आई थिंक स्परिचुअलिटी भी एक तरह का साइंस ही है जी। मतलब हर चीज़ उसमें साइंटिफिक है भले हम उसको बोले कि ज्ञान की बातें हैं बट और जहाँ तक आप भारतीय मनोविज्ञान की बात करती हैं तो उसके बारे में मैं भी कुछ बताइएगा कि कैसे वो वेस्टर्न साइकोलॉजी से डिफरेंट है और क्या ऐसा है जो आप हैप्पी थिंकिंग लाइब्रेटरी में डिफरेंट कर रही हैं जिससे बच्चों हाँ, को बेनिफिट पहली बात तो जो आपने कहा कि स्परिचुअलिटी वैज्ञानिक है ये बात बहुत देर में समझ में आती है ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि जो आध्यात्मिकता है या हमें ओल्ड एज में करनी चाहिए और यूथ को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन मेरा ये मानना रहा आ, कि आ, जो आध्यात्मिकता है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत यूथ को होती है क्योंकि उसके अंदर उस समय एनर्जी है बहुत रहे कुछ रहे। करने की बहुत सारे गोल्स है तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि स्पिरिचुअलिटी वैज्ञानिक है और इसको अगर हम बच्चों को समझा पाते हैं वैज्ञानिक तरीके से तो बात बनती लगती है रही बात कि किस तरह से भारतीय मनोविज्ञान पाश्चात्य से भिन्न है तो मैं ये कहूँगी कि भारतीय मनोविज्ञान बहुत होलिस्टिक है जो हमें पाश्चात्य चीज मनोविज्ञान में बातें नहीं मिलती जो एक होलिस्टिक से मतलब मेरा यह है कि जो संदेश हमें प्रकृति देती है एक कनेक्टिविटी का स्पिरिचुअलिटी का वो हमें भारतीय मनोविज्ञान में मिलता है हम ये भारतीय मनोविज्ञान में जानते हैं कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे तो जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है और वो एक एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी में है तो ये सारी चीज़ें हम कैसे बच्चों को समझाएं ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था तो इसलिए हमने हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी को कई सेक्शंस में डिवाइड किया है जिसमें हमारी एक रिसर्च लेबोरेटरी है जिसमें कुछ हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जिसमें कि बच्चे अपनी बॉडी की फिंगर स्कैनिंग के थ्रू क्लिन फोटोग्राफी के थ्रू okay. अपनी बॉडी में उनकी जो एनर्जी सिस्टम है उसको समझते, है, समझते है, हा, हा, हैं चक्रास का अलाइनमेंट समझते हैं और उनकी थॉट प्रोसेस का क्या इम्पैक्ट उनके बॉडी पर पड़ रहा है इसको वो समझते हैं क्योंकि न्यूरो फीडबैक भी है और किस तरह से डीप ब्रीदिंग के थ्रू अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं जो मेडिटेशन कॉमेंट्रीज है इसके थ्रू वो अपनी बॉडी में होते हुए चेंजेस को देख सकते हैं तो कोई भी बात बताने के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक आधार है जिसके आधार पे हम बच्चों को समझाते हैं और बच्चे बहुत ही खुशी खुशी वहाँ पे आते हैं और उसका हमने एम्बियंस भी ऐसा बनाया है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स रखी हैं बहुत ही प्लेजेंट तरीके से और ऐसी बुक्स जो हमें लाइफ के लिए मैसेजेस देती है, हैं मोटिवेशनल बुक्स हैं कुछ हमने स्पिरिचुअल गेम्स वहाँ रखे हैं जो बच्चे खेल खेल में बहुत सारी बातें समझ लेते हैं कुछ पोस्टर्स रखे हैं जिनको देख के जो डिफ़िकल्ट मैसेजेस हैं वो हम पोस्टर्स के थ्रू कन्वे mm -hmm. करते हैं फिर एक साइलेंस रूम है जहाँ बच्चे बैठ के मेडिटेशन सीख सकते हैं एक छोटा सा ग्रीन जोन है जहाँ mm -hmm. पे बड़ी ग्रीनरी और पीसफुल एटमोस्फियर है तो ओवरऑल वहाँ का जो एम है वहाँ जो भी आता है उसको अच्छा लगता है चाहे वो छात्र छात्राएं हो टीचर्स हों तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो यूनिवर्सिटी ने ब्यूटीफुल mm क्रिएट -hmm. किया है आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम सभी लोग uh, काम किस चीज़ के लिए करें खुशी के लिए करें देख एक खुशी चाहिए एक शांति चाहिए बाकी सारी चीज़ें अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया या आपके पास दस गाड़ियां हैं दस बंगले हैं फिर भी अगर खुशी और पीस मिसिंग है तो आपकी लाइफ आपको खुद ही बेमानी लगती है तो आई थिंक आपका ये हैप्पी थिंकिंग लाइब्रेटरी कहीं ना कहीं उस गैप को ब्रिज कर रहा है कि यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हैप्पीनेस बट मोर दई वु लाइक टू एड की जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसने इस बात पर बल दिया कि हम लोग बच्चों को सिर्फ एकेडमिक क्वली ग्रो ना करें मतलब right. की जो सोशल इमोशनल स्किल्स है वो भी बिल्डअप mm -hmm. करें उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करें तो ड्यूरिंग माय हेडशिप आई स्टार्टेड मेनी को करिकुलर कोर्स जिसमें एक हमने होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस का एक फोर क्रेडिट का कोर्स भी शुरू किया wow. आ, अपने यूजी के बच्चों के लिए और उसके लिए मैंने एक किताब भी लिखी mm -hmm. और जैसे कि वो रीडिंग मटीरियल हम टीचर्स को प्रोवाइड कर सकें mm -hmm. क्योंकि बातें बहुत अच्छी हैं लेकिन कैसे समझाएं बच्चों को किन शब्दों में समझाएं और मटेरियल कहाँ से आएगा पढ़ाने के लिए तो ये एक स्टेप लिया और उसके अलावा ये लेबोरेटरी है तो उसमें बच्चे हमारे साइकोलॉजी के बच्चे उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं क्योंकि मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विषय है तो वहाँ प्रयोग करके भी वो ऐसी लेबोरेटरी और भी कहीं है इंडिया में आपके नॉलेज में हमारी जानकारी में तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में पहला एक पहला एक, है इनिशिएटिव है बिकॉज so, बाहर की कंट्रीज हैप्पीनेस इंडेक्स की बहुत बात करती है भूटान वगैरह और यूरोपियन कंट्रीज काफ़ी फोकस्ड है उनका पैरामीटर ऑफ वेलफेयर ही हैप्पीनेस है कि कितना हैप्पी वहाँ के लोग हैं एंड आई थिंक इंडिया में भी वी आर वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स की हैप्पीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होना चाहिए फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी कंट्री तो आई एम श्योर अंडर योर गाइडेंस एंड लीडरशिप लखनऊ से शुरू हुआ है तो बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में ये होगा और एक मॉडल की तरह ये डिपार्टमेंट उभर के सामने आएगा कमिंग टू योर जर्नी यू हैव रिटायर्ड एज अ एच ओ डी एंड इट्स बीन अ लॉन्ग ईयर्स ऑफ सर्विस दैट यू हैव गिवेन हाउ इजी वेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एज अ मदर एज अ वाइफ एज अ डॉटर एज अ डॉटर इन लॉ यू हैव हैड अ लॉन्ग जर्नी सो हाउ डिड यू बैलेंस योर वर्क एंड फैमिली लाइफ देखिए मेरा जो पढ़ाई के प्रति रुझान था बचपन से ही था okay. और अगर मैं अपने बचपन में जाऊँ तो हम चार भाई बहन थे और मुझे याद नहीं आता कि कभी मुझे पढ़ने के लिए टोका गया हो या कहा hmm. गया हो तो uh, मैं जो भी पढ़ती थी ये अपनी खुशी से पढ़ती थी और उसकी प्रेरणा मुझे अपनी मदर से मिली और अ, मेरी मदर अ, उस जमाने में बहुत जल्दी से शादियां हो जाया करती थी तो एट द एज ऑफ सेवनटीन शी गॉट मैरिड और शादी के बाद उन्होंने बीए तक की पढ़ाई करी उसके बाद वो नहीं कंटिन्यू कर पाई बट उनके मन में कहीं कि इस बात का दुख था कि वो आगे नहीं पढ़ पाई बट वो शायद मुझ में देखती थी कि मैं पढ़ूं तो मैं उनको हमेशा प्रॉमिस करती थी कि मैं पढ़ूंगी, पढ़ूंगी लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे पर दबाव नहीं डाला कि तुम्हें पढ़ना है और मैं बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता था पता नहीं मैंने पढ़ाई को चुनाया पढ़ाई ने मुझे <laughs> तो मैं पढ़ती रहती थी और उसको पढ़ के मुझे मतलब बहुत अच्छा खुशी मिलती थी और इंस्पिरेशन तब मिला जबकि एट्थ में जूनियर हाई स्कूल में उस समय बोर्ड की परीक्षा होती थी hmm. और उसमें सिक्स सेवन एट तीनों सालों का कोर्स आता था तो मैंने पढ़ाई की और उसमें अ, मेरी फर्स्ट डिवीजन आई और तीन सब्जेक्ट में डिस्टिंगशन आई तो इट वाज अ मतलब एक्सीडेंटली इट हैपेंड क्योंकि मैंने कोई ऐसी बहुत के लिए लगन थी और लगन लगा हाँ, पता से नहीं वो, वो आया तो वो उस समय मुझे इतना मोटिवेशन परिवार के लोगों से मिला और मेरे पेरेंट्स ने इतना मतलब मुझे हाईलाइट किया तो मुझे लगा ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज़ है <laughs> तो आई शुड कंटिन्यू <laughs> right. फिर मैं बस उसी रास्ते पे चलती गई और जब मैंने एम कर लिया और पी में एडमिशन मेरा हो गया उसके बाद मेरे फादर का रिटायरमेंट था तो उन्होंने कहा भाई मैरिज कर रही है और शादी भाई की बात बात चली अब लड़के वाले भी आए उन्होंने देखा और पसंद भी कर लिया और शादी और मतलब ये हो गया कि तय हो गई शादी अब मेरे मन में कहीं कुल बुलाहट थी कि पता नहीं आगे क्या होगा पढ़ने को मिलेगा।, मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो मैंने ये प्रस्ताव बड़े चकते हुए रखा कि भाई मैं एक बार लड़के से बात करना चाहूंगी शादी से पहले फोर <laughs> तो फिर ये हुआ कि हमारी एक स्पेशल मीटिंग तय हुई अच्छा आ, वो अपने ब्रदर के साथ आए मैं अपने ब्रदर के साथ गई फिर हमने बात की और मेरा यही था कि भाई मैं सब कुछ मेरे लिए है बट मैं पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ना चाहती और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई ईश्वर की कृपा रही कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई को जारी रख पाई और मेरे जो फादर इन लॉ थे वो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होकर रिटायर हुए उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए और कभी मुझे कोई इस बात की रोक टोक नहीं हुई हालांकि उतार चढ़ाव आए वो तो खैर सबकी नए होते हाँ। हैं तो फिर घर बच्चे परिवार सब जिम्मेदारी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा और एक बार लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद हिम्मत भी मेरी टूटी क्योंकि उस समय यह हुआ करता था कि पीएचडी के बाद भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करना जरूरी right, होता रही right, तो मुझे वो बहुत बड़ी परीक्षा लग रही थी और जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट दिया तो वो जिंदगी का पहला एग्जाम था जब मैं फेल हुई <laughs> <Okay>. तो मैंने <laughs> वो फेलियर का मजा चखा बट वो फेलियर <laughs> ने भी मुझे बहुत मतलब एक ये दिया कि हाँ आई शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर राइट और कैसे मैंने धीरे धीरे वो उसको रिकवर किया और मैं आभारी हूँ अपने गुरुवर का क्योंकि उसी दौरान जब मुझे लगा कि अब मेरी नैया डूब गई है mm -hmm. तो मेरी नैया को बचाने के लिए मेरे गुरुवर mm -hmm. पूजनीय सुधांशु wow. जी महाराज ब्यूटिफुल आई मीन यू वे लकी कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको नहीं रोका आपकी जहाँ शादी हुई वहाँ पे भी आपको एटलीस्ट एक रोका नहीं गया मैनेज तो आपको करना ही होगा और आई थिंक हर लेडी करती है बिकॉज बच्चे जब आप करते हैं तो वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कितना भी हेल्प मिल जाए बट वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर यू कॉन्ट डू अवे विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यू हैव बीन लकी इनफ़ कि वुमेन एम्पावरमेंट के वो सारे चैलेंजेस आपको नहीं फेस करने पड़े जो कि एक लड़की को बचपन से फेस करना होता है कि पढ़ने नहीं दिया जाता है जल्दी शादी कर दी जाती है उसके बाद भी वो अपने मन का नहीं कर सकती है तो टू अ एक्सटेंट वी कैन से कि आपने अपने सपने देखे अपने सपनों को जिया फुलफिल किया और आज आप इस मुकाम पे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए बाहर के चैलेंजेस से ज़्यादा किसी भी महिला के लिए उसके जो अपने इंटरनल चैलेंजेस right. होते हैं वो बहुत होते हैं right, अगर आ, आ, महिला के मन में यह है कि उसको पहले अपने परिवार की जिम्मेदारियां करनी है mm -hmm. आ, क्योंकि वो एक कोई बाहर से नहीं कहता कि आप ये काम करो mm -hmm. या आपको परिवार के लिए समय देना है Correct. लेकिन बीइंग ए मदर आपको ये एक एहसास होता है कि अगर आप बच्चों के लिए नहीं कर पा रहे तो एक जो वर्किंग मदर है अंदर एक उसकी गिल्ट फीलिंग होती है तो उससे निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है उससे आप कैसे निपट करते तो उसमें जो मेरे गुरुवर की वाणी थी वो मैं प्रातः रोज मैं उनको सुनने लगी और करीब 25-30 साल से मैं जुड़ी हूँ उनकी वाणी से beautiful. तो प्रातः मैं उनको सुनती थी और मतलब मुझे सुनने के बाद ऐसा लगता था कि ना आज का चैलेंज में निपट सकती हूँ फेस कर सकती हूँ तो वो आभार गुरुवर का कि उन्होंने मेरी जो आंतरिक मतलब एक स्ट्रगल थी उसको एक दिशा दी और ये बताया कि कैसे घर परिवार उसमें बैलेंस किया जाता है और मेरे पेरेंट्स भी मतलब शादी के बाद उन्होंने ये नहीं कभी कहा कि तुम अपने हिसाब से करो या तुम्हारे कोई मतलब नहीं दे यूज़ टू कम मेरे फादर बहुत ही स्परिचुअल थे और पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी वेदों का ज्ञान और पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता था तो बराबर वो जब भी मेरी परीक्षा हुई शादी के बाद मैंने बी किया पी किया नेट क्वालीफाई किया तो जब भी एग्जाम होता था तो मैं कहती थी कि नहीं पापा या मम्मी आप आओगे तब मैं एग्जाम दूंगी hmm. तो वो बराबर आते, आते थे, थे रहते थे मेरे बच्चों को सपोर्ट करते थे तब मैं जो कुछ भी मैंने किया सब उनके लिए मैं समर्पित हूँ उनके प्रति मेरे मन में बहुत आभार है ब्यूटिफुल आई मीन योर लाइफ इज अ इंस्पायरिंग एग्ज़ैम्पल कि कैसे अगर आप एक महिला को सपोर्ट करते हैं तो शी कैन डू वंडर्स एंड शी कैन मैनेज एवरी थिंग ब्यूटिफुली घर भी परिवार भी अपने पेरेंट्स भी इन लॉज भी बच्चे भी समाज भी तो आपकी जर्नी आई थिंक उस तरह से एक इंस्परेशन है उन सभी फैमिलीज़ के लिए जो शायद वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं कभी कभी परिस्थितियों की वजह से नहीं बढ़ा पाते हैं बट आपको सुन के आई एम sure, श्योर हर कोई चाहेगा कि उसकी भी बेटी इस लेवल तक पहुंचे और यहाँ तक जाए तो चलते चलते आप और कोई मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को या कुछ ऐसा बताना चाहेंगी जिससे लोग इंस्पायर हो हाँ, जी आ, मैं आ, महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और आ, महिलाएं आगे बढ़ती हैं बहुत अच्छा लगता है आगे बढ़ना चाहिए लेकिन आ, महिलाओं को कभी पुरुषों की बराबरी जैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी उसे आगे हैं <laughs> वो कहीं nice, पीछे है ही nice, नहीं शुड नॉट मेक कॉम्पिटिशन विथ मेन्स क्योंकि अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें साथ में ये भी देखना होगा कि जो उसका सेकेंड हाफ पार्ट है पुरुष वो भी कितना इम्पावर हो रहे हैं well, क्योंकि दोनों एक एक दूसरे के पूरक हैं हाँ, एक ना गाड़ी के पहिए की तरह है हाँ। तो देखिए प्रकृति हमको ये संदेश देती है हमारे शरीर में भी आप देखिए तो दो हाथ है एक दाए एक right. बाय है ना ऑर्गेन्स में दो आंखे है दो कान है एक हाथ से या एक आंख से आप देखेंगे तो आधा ही दिखेगा ना तो वो पूरा कैसे दिखेगा जब आप पूरक होते हैं तो शिव और शक्ति हमारे अंदर ही है अगर हम उसको समझते हैं और आदर देते हैं उसको और एक दूसरे से कंपटीशन ना करके एक दूसरे के कब पूरक बनते हैं तो हम बहुत मजबूत होते हैं ब्यूटीफुल तो ये हमें पहला तो ये संदेश है दूसरा ये संदेश है महिलाओं के लिए कि जहाँ भी रहें सकारात्मक रहें पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप जीवन में सकारात्मक होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और हमारा जो भारतीयता है, है हमारा भारतीय मनोविज्ञान ये शिक्षा देता है कि हमें हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए अगर हम अपने पास्ट को कहेंगे कि अरे हमें तो कभी कुछ नहीं मिला हमारे साथ ये होता रहा या फ्यूचर में हम बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस होंगे तो हम अपने वर्तमान से कट जाते, जाते हैं है। और जो एक हमारे अंदर पोटेंशियल है इवॉल्व करने का हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है शायद हमें खुद को नहीं मालूम होता बिल्कुल तो अगर हमारे अंदर एक ब्रह्मांड चल रहा है ब्रह्मांड चल रहा है अगर हम उससे जुड़ते हैं वर्तमान में रहते हैं तो हम वंडर्स कर सकते हैं और महिला तो शक्ति है ही और वो हमेशा पुरुष से कहीं कहीं आ गए उसके पास जो चीजें हैं वो पुरुष के पास न कभी भी ना हो सकती हैं तो उसको अपनी शक्ति को पहचानना है एक सृजन करता भी बनना है पालनहरता भी बनना है और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ खड़े भी होना है ऐसा नहीं है कि आप कभी आवाज़ ना उठाएं जो गलत है उसके प्रति खड़े भी होना है और उसकी शुरुआत परिवार से होती है बिल्कुल परिवार को संस्कारित करना है क्योंकि एक संस्कारवान परिवार ही एक संस्कारवान समाज और राज्य का निर्माण करता है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बातें आपने कही एंड आई एम श्योर इसको सुन के सब बहुत इंस्पायर होंगे और आपकी लाइफ की जर्नी भी उस तरह से एक इंस्पिरेशन है आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने कही एंड आप खुद भी एक गुरु ही है मैं तो कहूँगी जितने बच्चों को भी आपने भी पढ़ाया, भी भी पढ़ाया तो है तो आप एक गुरु हैं और आपके भी गुरु महाराज सुधांशु जी जो हैं जिनके वजह से आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस को भी ओवरकम किया तो आई थिंक ये गुरु शिष्य का परम्परा चलता रहना चाहिए और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज के युवा फैमिली सभी के लिए जैसा आपने कहा कि एक फैमिली अगर सही है तो राष्ट्र सही है तो हर फैमिली अगर सही हो गई तो हमारा राष्ट्र बहुत सुंदर हो जाएगा तो थैंक यू सो मच मधुरी मैम बहुत अच्छा लगा आपको थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज बिफोर यू थैंक यू वेरी मच नमस्कार